एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पेपर ट्वेल्थ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। कारण आप जानते ही होंगे, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, इस कारण से ड्यूटी वगैरह के कारण हम लोग मिल नहीं पाए। आज हम अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम उदारवाद की बातचीत कर रहे थे, इस सिलसिले में आज हम राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद क्या कहता है या इनकी मान्यताएं क्या हैं, इस पर बात करेंगे। अब देखिए, उदारवाद की जो अवधारणाएं हैं, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, ये एक निश्चित रूप से कोई निर्मित की हुई विचारधारा नहीं है। विभिन्न समयावधियों पर विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विचार दिए गए हैं, उसके संदर्भ में ये विचारधारा धीरे धीरे आगे बढ़ी है। हाँ, गति इसकी कहीं तेज़ है, कहीं धीमी है, पर आगे बढ़ती रही है, ये पीछे नहीं हटी है। और ये किसी भी विचारधारा का एक लक्षण होता है कि समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल बदलाव इसमें आते हैं। तो इस संदर्भ में उदारवाद को दो भागों में हम लोग बाँट सकते हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण का जो ब्रिटिश स्कूल है, वहाँ पर हम जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन लॉक को इसमें जोड़ सकते हैं। लॉक को तो उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ें तो उदारवाद ने एक सिद्धांत के रूप में तो अपने आप को स्थापित किया, विशेष तौर से समाज के रूप में, लेकिन दूसरा पहलू सामने ये आया कि राजनीतिक प्रक्रिया में राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका में है, चाहे शासन प्रणाली कोई भी क्यों ना रही हो। अब उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के विषय में उदारवाद की राय क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो एक ब्रिटिश विचारक हुए हैं प्रोफेसर हॉबहाउस, किताब का नाम है लिबरलिज्म। उस किताब में उन्होंने उदारवाद के 9 बिंदु बताए हैं या मूल सिद्धांत बताए हैं, जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। पहला, वो कहते हैं कि उदारवाद दरअसल 9 आज़ादियों या स्वतंत्रताओं की मांग करता है। अलग अलग समाजों में ये अलग अलग स्थितियों पे हो सकती है, लेकिन ये 9 इसके बेसिक या मूल लक्षण हैं, या जो कि उदारवाद में होने चाहिए, मात्रा कम या अधिक हो सकती है, लेकिन इनकी मौजूदगी होनी चाहिए। उस पर उन्होंने पहला बिंदु दिया है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। अब चूँकि आप जानते हैं, उदारवाद परंपरावत जो सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, उनकी जो वर्जनाएं थीं, उनके जो प्रतिबंध थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था, जो मानव की गरिमा, मानव की क्षमता और मानव की विवेकशीलता के प्रति पूर्वाग्रही था। एक अगर मैं टैगलाइन की तरह बात करूं, तो उदारवाद का एक नारा है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए इसके कार्यों पर संदेह ना करते हुए राज्य को इनमें न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो नागरिक स्वतंत्रता का आशय यह था कि मनुष्यों पर जो उस समय की राजतंत्री व्यवस्था में या सामंतवादी व्यवस्था में तरह तरह के प्रतिबंध ला दिए जाते थे, उदारवाद का यह मानना था कि ये प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मानव के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, और मानव के विकास के यदि मार्ग रुकेगा तो समाज और शासन और राज्य तीनों ही इससे निगेटिव रूप से इफेक्ट होंगे। अगला बिंदु उनका है वित्तीय या फाइनेंशियल लिबर्टी या वित्तीय स्वतंत्रताएं। ये देखिए महत्वपूर्ण है, उस समय हो ये रहा है कि सामंतवादी व्यवस्था या राज्यतंत्र कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, यानी कर के नियम, वो उन्होंने अपने हित में इतने लचीले कर रखे हैं कि मन माफिक कर्ज वसूले जा रहे हैं, मन माफिक टैक्स लिए जा रहे हैं कर। अब यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ये आप मानेंगे चीज़ को, तो स्वाभाविक है कि जिस मेहनत से आपने कोई चीज़ अर्जित की है, वो आपकी फसल हो सकती है, आपका व्यापारिक लाभ हो सकता है, आपका उत्पादन हो सकता है, उसको बांटने में आपको परेशानी होती है। भाई, एक निश्चित सीमा तक तो कर इंसान देना चाहता है और देता भी है, लेकिन सोचिए यदि करों के नियम ही ना हो,
और सामंत और राज्य मनचाहे कर लगा दें और वसूली के लिए आपके ऊपर बल प्रयोग करें। तो उदारवाद ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया, ध्यान रखिएगा। तो ये इस बात को मानते हैं कि जो टैक्सेशन प्रोसेस है, जो करों की स्थितियां हैं, वो बहुत सोच समझ के तय हों और उसके निश्चित नियम बनाए जाएं, और उन नियमों को बनाने में राज्य के वो तबके भी शामिल हों जो कर दे रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत वो लोग जानते हैं, ना कि वो सामंत या वो राजा। जैसे आप ध्यान रखिएगा, आपने इतिहास की पुस्तकों में अमेरिका की क्रांति पढ़ी होगी। अमेरिकन की जो क्रांति हुई थी, इसमें बोस्टन की चाय पार्टी का जिक्र आता है और जो अन्य घटनाएं होती हैं उसमें, अगर आपको ध्यान हो, अमेरिका की जो आज़ादी की लड़ाई हुई है उसका उनका नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा हम कर नहीं देंगे। अगला बिंदु है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को, व्यक्तिगत आज़ादी या स्वतंत्रताओं पर जितना बल उदारवाद ने दिया है उतना किसी और विचारधारा ने नहीं दिया। कारण वही बात, इसका टैगलाइन मैंने बताई आपको, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ये अपना भला बुरा सोच सकता है, अतः राज्य को इसके कार्य में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। अब ये न्यूनतम हस्तक्षेप है, ये केवल किसी कार्य विशेष पर नहीं है, सब में। वो ये मानते हैं कि मनुष्य का जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें उसको इतनी आज़ादियाँ दी जाएं जिसके माध्यम से वो अपने सर्वांगीण विकास के जो उद्देश्य है, उसका लक्ष्य जीवन का, उसको प्राप्त कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों को लेके हो सकता है, समाज के क्षेत्र में किसी परिवर्तन को लेके हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसकी एवज में आपको नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार मिल रहा है। अपनी सीमाओं में रहते हुए, जो कि मनुष्य जानता है, यदि वो कुछ व्यक्तिगत आज़ादियाँ चाहता है तो वो उसको मिलनी चाहिए। अगला बिंदु है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। कौन से उत्सव मनेंगे या नहीं मनेंगे, किन पर कर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, किन सामाजिक दायित्वों को करने के लिए आप कितने स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। अब देखिए, मैं आपको एक वर्तमान का उदाहरण देता हूँ, बड़ा आपको समझ में आएगा। अभी COVID-19 का दौर जारी है, सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है, लॉकडाउन भी किए गए और कई बार किए गए, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को खोलना शुरू किया गया, आज़ादियाँ मिली, कभी बाज़ार खोले गए, बंद किए गए। अभी आप, मैं उदाहरण दूँ, एक महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन होता है शादी ब्याह। आप देखिएगा, आज ही के अखबार में मैंने खबर पढ़ी है कि वो जो 50 की सीमा थी शादी ब्याह में इकट्ठे होने की, सरकार ने उसको 100 कर दिया। अब देखिए, ये जो प्रतिबंध है, आप कह सकते हैं, अगर आप उदारवाद की बात करें कि भाई आप कौन है कहने वाले, हम तय करेंगे कितनों को बुलाना है कितनों को नहीं बुलाना है। लेकिन क्योंकि आपका ये सामाजिक कार्य और लोगों के मार्ग में, उनके स्वास्थ्य के मार्ग की बाधा बन सकता है, इसलिए राज्य हस्तक्षेप यहाँ पर कर सकता है। ऐसे ही उदारवाद में है, वो कहते हैं कि समाज की वो रीतियाँ नीतियाँ परंपराएँ जो कि बाधा डालने वाली नहीं है, उसमें राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर हाँ, दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे के अधिकार में यदि आप बाधा बनते हैं तो राज्य वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। अगला बिंदु है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आप जो उद्योग लगा रहे हैं, आप जहाँ कृषि करते हैं, वहाँ आपको ये आज़ादी होनी चाहिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी, जो आपने अर्न की है, कमाई है, वो आपकी व्यक्तिगत संपदा है, और यदि उस पर आप टैक्स दे चुके हैं, कर दे चुके हैं, तो उस पर फिर आपका अख्तियार बनता है। यदि वो कानूनी है तो किसी अवैध व्यापार के लिए आपको सरकार अधिकृत नहीं कर सकती, लेकिन यदि आपने कानूनी माध्यम से कर चुकाकर कोई संपदा अर्जित की है तो वो आपकी व्यक्तिगत है, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपने पॉलिटिकल साइंस सबसे पढ़ना शुरू किया होगा, एक सिद्धांत पढ़ा होगा, लेसेस फेयर, कहते हैं अहस्तक्षेप का सिद्धांत। ये सिद्धांत उदारवाद की देन माना जाता है कि राज्य को मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं या अन्य सामाजिक कार्य, उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि वो अपना व्यक्तिगत और सामाजिक विकास दोनों में योगदान कर सके। अगला बिंदु है पारिवारिक स्वतंत्रता, परिवार की परंपराएं, रीति रिवाज, अन्य चीज़ें, यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, रंग, इन सब चीज़ों को लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में वो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। ये उदारवाद की एक मान्यता है।
अगला बिंदु है जातीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, रेशियल एंड नेशनल लिबर्टी। इसका अर्थ यह है कि जो आपके राज्य में जातियाँ प्रजातियाँ निवास कर रही हैं उन्हें अपने कस्टम्स, अपने रीति रिवाज जो सही हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यदि आपके रीति रिवाज या परंपराएं गलत हैं तो उसका अपोज होगा, लेकिन यदि आप सही हैं तो आपको अख्तियार है कि आप उनकी अनुपालना कर सकें, राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ ये है, इसको बोलते हैं आप निर्णय का अधिकार, कि देश को आप, याद रखिए आपने संप्रभुता पढ़ा है, सॉवरेंटी, राज्य के जो चार तत्व होते हैं उसमें संप्रभुता का एक आशय ये भी है कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय करने के लिए आज़ाद है, और ये राज्य की जनता को भी मिलना चाहिए और राज्य को तो है ही। अगला बिंदु अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये चीज़ यहाँ पर आती है, आप देखिए वुड्रो विल्सन ने ये सिद्धांत दिया था, आत्मनिर्णय का सिद्धांत। अमरीकी राष्ट्रपति थे, उनका कहना ये था कि किसी भी कौन सा देश किस अलायंस में शामिल होगा, युद्ध में शामिल होगा या नहीं होगा, या उसका निर्णय क्या है या उसे क्या निर्णय करना चाहिए, ये उस राज्य का व्यक्तिगत मामला है, दूसरे राज्य को उसके मामले में इंटरफेयर करने का अख्तियार नहीं होना चाहिए ना करना चाहिए, ये उदारवाद की मान्यता है। और आप पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सिद्धांत आलोचना का विषय भी बना है, कई जगह होती है कई जगह नहीं होती, लेकिन हाँ उदारवाद इसको एक मान्यता के रूप में पहचान देता है। अगला बिंदु जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक स्वतंत्रता, इसका आशय है कि धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, आप देखिए स्त्री पुरुष जो अंतर है वो भी दुनिया में बड़ा फैला हुआ है। उदारवाद ये मानता है राजनीतिक आज़ादी का मतलब है कि मतदान का अधिकार, निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार, आपकी नीतियों की निंदा भर्सना करने का अधिकार, नीतियों के समर्थन का अधिकार, ये सबको प्राप्त अधिकार हैं और राज्य को इनके मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था यदि इससे बिगड़ती है तो राज्य को मतभेद कर इसमें इंटरफेयर करने का या इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है, वरना एक स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार सभी नागरिकों के पास होना चाहिए। धन्यवाद।